हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो काफी यूजफुल और नॉलेजेबल होने वाला है। आज हम क्या करेंगे, आज हम फेविक और बेकिंग सोडा की मदद से चीजों को चिपकाएंगे, वो भी परमानेंट तरीके से। क्योंकि कितनी चीजें ऐसी है जो फेविक से हम लोग चिपकाते हैं पर लेकिन वो थोड़े टाइम में फिर से टूट जाती है, वो परमानेंट नहीं रहती है। तो आज हम एक ट्रिक यूज करेंगे और फेविक से चिपकाएंगे और वो भी परमानेंट तरीके से। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए पहले ये देखिए, हमारी ये बोतल है, ये बोतल लीकेज है, यहाँ से टूटी हुई है। आपको पानी भर के दिखाते हैं। देखिए ये बोतल यहाँ से लीकेज कर रही है, टूटी हुई है यहाँ से। तो इसको ठीक करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको फेविक से कितना भी चिपकाओ ये चिपकता भी नहीं है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है और फिर से लीकेज हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे। इसको हम इस तरह चिपकाएंगे कि ये परमानेंट के लिए फिक्स हो जाएगा, फिर दोबारा कभी लीकेज नहीं करेगा ये। तो उसके लिए हमें चाहिए रहेगा फेविक। फेविक को सीधा यहाँ से चिपकाएंगे। और इसको परमानेंट करने के लिए हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा। ये आराम से आपको कोई भी किराने के स्टोर पे मिल जाएगा। तो सिंपली बेकिंग सोडा का लेके सीधा इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। बेकिंग सोडा फेविक के साथ मिलकर जो रिएक्शन करता है वो काफी जबरदस्त है, क्योंकि बेकिंग सोडा पत्थर से भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है ये फेविक के साथ रिएक्ट करके। ये देखिए, फिर से हम लोग थोड़ा और स्प्रेड करते हैं। लोग आगे से भी कहीं कर लेते अगर कहीं से और लीकेज रहेगा तो। ठीक है, इतना इनफ है। ये देखिए, अभी ये कंप्लीट हो चुका है। इसको हम 2 मिनट के लिए सुखा लेते हैं। Few moments later. 2 मिनट से ऊपर हो चुका है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं पानी डाल के। अब थोड़ा ज्यादा पानी डाल देते हैं तो पता चलेगा कि लीकेज क्लियर हुआ या नहीं। ओके, इतना पानी आई थिंक इनफ रहेगा। नीचे से कंप्लीट कवर हो चुका है। अब देखिए, यहाँ से हमारा लीकेज था, देख लीजिए ये लीकेज कंप्लीट और आई थिंक परमानेंट के लिए हो गया ये। क्योंकि इसको मैंने पहले कितनी बार फेविक से चिपकाया था, ये बार बार लीकेज हो जाता था। और अब देखिए, अब ये बेकिंग सोडा की मदद से ये कंप्लीट एमसील से भी स्ट्रॉन्ग हो गया ये। देख लीजिए, अब तो काफी पानी भर चुका है, लीकेज होता तो अभी तक तो लीकेज आ ही जाता, कहीं से लीकेज नहीं है।
यानी ये एक छोटी सी ट्रिक, बहुत काम की चीज है ये। हमारे घर में कितनी ऐसी चीजें होती है जिसको हम टूटने के बाद सेल्टिक से चिपकाते हैं, फिर भी वो बार बार टूट जाती है। आप ट्राई करिएगा, इसी तरह वो कभी भी दोबारा आपको जल्दी नहीं टूटेगा, ये ट्रिक यूज करके। तो दोस्तों अब हम एक और ट्रिक यूज करेंगे, हम लोग ये चश्मे गोगल उसको चिपकाएंगे, क्योंकि ये भी चश्मे का जो आता है मटेरियल ये इतना खराब आता है कि इसको फेविकिक से चिपकाने के बावजूद भी ये बार बार टूट जाता है। तो यही ट्रिक जो हमने जो बोतल पे यूज की थी वही ट्रिक हम इसके साथ यूज करेंगे, तो देखते हैं क्या ये परमानेंट चिपकेगा या नहीं। तो उसके लिए फटाफट से हम लोग उसको फर्स्ट फेविकिक से चिपकाएंगे थोड़ा सा। अकेले फेविकिक का तो काम ही नहीं है कुछ चिपकाने का, तो इसको हम देखिए थोड़ा के साथ चिपकाने का ट्राई करेंगे। आप मुझे बुला उसको फिर से डाल दे थोड़ा। थोड़ा सा एक दो एक तब देखिए दोस्तों, अकेले ट्राई किया कितना चिपकाने का, तब नहीं चिपकाई, बेकिंग थोड़ा डालते ही ये चिपक गया है। ठीक है, अब कांच लगा से देखिए दोस्तों हमारे गोगल्स फिर से कंप्लीट रेडी हो गए हैं। बस ये जो बेकिंग सोडा दिख रहा है इसको हम, ये भी आपको फाइल की मदद से जिसके दिखाते हैं आपको, हम लोग इसको भी कंप्लीट साफ करके दिखाते हैं। देखिए गाइस सच में देखिए कैसे चिपक गया है, जैसे ये प्लास्टिक को चिपकाया नहीं, जैसे प्लास्टिक को वेल्डिंग किया गया हो। सच में गाइस ये बहुत जबरदस्त तरीके से और आई थिंक एकदम परमानेंट तरीके से चिपक चुका है। तो अगर आपको देखना हो तो देखिए, मैं आपको इसका एक ड्रॉप टेस्ट करके दिखाता हूँ। अगर फेविकिक से चिपकाया होता स्टिक ओनली, और जो आपको मैं दिखाया था कि ऑलरेडी चिपक भी नहीं जाता फेविकिक से, इसके ये देखिए ये देखिए गाइस इसका मजबूती देखिए गाइस कितनी जबरदस्त तरीके से चिपक हुआ है, ये इतना जबरदस्त देखिए, और देखने से पता भी नहीं चल रहा है कि इसको चिपकाया गया है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर से बताइए, और ये ट्रिक कैसे लगी आपको, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपके लिए ही हम लोग ऐसी मजेदार नई नई ट्रिक्स और एक्सपेरिमेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए तो बाय।